हाँ दोस्तों, अलर्ट मोशन तो हर कोई यूज़ करता है, मैं भी यूज़ करता हूँ, आप लोग भी यूज़ करते होंगे शायद वीडियो एडिट करने के लिए। लेकिन आप लोग चाहते हो XML फाइल यूज़ करने के लिए अलर्ट मोशन में, तो आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हो आप लोगों को नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग XML फाइल जो है आप लोग अलर्ट मोशन में कैसे यूज़ करोगे और उसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ेगा और उसका प्रोसेस जो कैसा होगा मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स बताऊंगा। तो बने वीडियो के लास्ट तक। आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है जरूर ऑल पर सेट कर लेना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, हम लोग XML फाइल यूज करने के लिए लाइट मोशन में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्ले स्टोर से जो है लाइट मोशन जो है हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। प्ले स्टोर पे जाके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लाइट मोशन सर्च करके। यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो है प्ले स्टोर से जो मैंने इसको इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जो है MXML फाइल जो यूज करेंगे, आप लोगों को तो पहले तो उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर होता है या नहीं हम लोगों को देखना पड़ेगा। पहले ओपन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, XML कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को जो है यहाँ पर क्लोज कर देना है इसको। क्लोज करने के बाद आप लोगों को स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर प्लस के ऊपर चले आना है। आने के बाद आप लोगों को रेशो जो आपका वीडियो का जो भी है आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को रहने देना है, ठीक है। अभी आप लोग MXML फाइल जो है आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप लोग चाहते हो किसी यूट्यूबर का MXML फाइल जो आप लोग यूज़ करना चाहते हो, तो मैं यूट्यूब पे ही चले आता हूँ। आने के बाद जो मैं यहाँ पर नॉर्मली मैं यहाँ पर XML फाइल जो है यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद देख सकते हो मेरा पहला वाला जो है मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले आना, शायद वो XML फाइल का जो है लिंक दिया होगा। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा, XML फाइल का लिंक जो है लिंक पे जाके जो है XML फाइल जो हम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। आप लोग नॉर्मली जैसे किसी यूट्यूबर का XML फाइल डाउनलोड करके यूज़ करते हो, मैं आप लोगों को शुरू से दिखा रहा हूँ आप लोगों को कैसा क्या करना है। तो यहाँ पर मैं वेरीफाई कर लेता हूँ डाउनलोड करने के लिए। वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को कुछ देर टाइम लेगा, तो आप लोगों को गेट लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप लोगों को कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका फाइल जो है यहाँ पर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो हमारा XML फाइल जो है रेडी हो चुका है। अभी हम लोग जो इसको डाउनलोड कर लेते हैं XML फाइल को, यहाँ पर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। हमारा जो अभी डाउनलोड हो चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड हो गया है। अभी हम लोग जो है बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जो हम लोग फाइल मैनेजर खोल लेते हैं अपना वहाँ पर, क्योंकि हमारा XML फाइल जो आ जाएगा तो हम लोग को क्या करना है वहाँ से उसको शेयर करना है। तो हम लोग डाउनलोड पे चले जाते हैं। डाउनलोड पे आने के बाद हम लोग जो है XML फाइल जो यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अब यहाँ पर सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है अलर्ट मोशन यहाँ पर नहीं शो करता है। ऐसा प्रॉब्लम जो है मुझे भी हुआ था। यहाँ पर देख सकते हो अलर्ट मोशन नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारा अलर्ट मोशन जो है इंस्टॉल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अलर्ट मोशन जो हमारा इंस्टॉल है, लेकिन हम लोग वहाँ पर सेंड कर रहे हैं उसको, यहाँ पर अलर्ट मोशन जो है हमारा नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करना पड़ेगा, अपने जो प्ले स्टोर से अलर्ट मोशन जो आप लोगों ने डाउनलोड करके रखा है या इंस्टॉल करके रखा है उसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल कर देने के बाद मैं आप लोगों को एक फाइल दूंगा, उसको आप लोगों को कहाँ से कलेक्ट करना पड़ेगा, मेरे इंस्टा पेज पे जाके आप लोगों को जब फॉलो करना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पर मुझे मैसेज करोगे अलर्ट मोशन करके, तो मैं आप लोगों को जो वो फाइल जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर वो फाइल जो इंस्टॉल करके दिखाता हूँ अभी आप लोगों को लाइव। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर चला आता हूँ। व्हाट्सएप आने के बाद मैं यहाँ पर इस फाइल को जो है इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो मैं यहाँ पर से इंस्टॉल कर रहा हूँ व्हाट्सएप से, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे मैंने सेंड करके रखा था। यहाँ पर देख सकते हो मेरा इंस्टॉल हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर अलर्ट मोशन जो हमारा आ चुका है अभी आप लोग देख सकते हो। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ देर टाइम लेगा, तो आप लोग को टाइम लेने देना है। यहाँ से आप लोग को बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आप लोग को फिर से जो है दोबारा ओपन करना है। दोबारा ओपन करने के बाद यहाँ पर यहाँ पर कुछ देर लोडिंग लेगा, तो आप लोगों को 100 होने देना है। आपके वीडियो परफॉर्मेंस पे यहाँ पर जो है देखेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा 100 कंप्लीट हो गया था। अभी मैं यहाँ पर गेट स्टार्ट कर देता हूँ। गेट स्टार्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरा लाइट मोशन जो है अभी ओपन हो चुका है, ठीक है। हमने जो प्ले स्टोर से जो है ये लाइट मोशन जो है हम लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो फाइल हमने डाउनलोड किया था यूट्यूब से, तो उसको हम लोग यहाँ पर फिर से हम लोग फाइल मैनेजर पर चले आएंगे। आने के बाद हम लोग यहाँ पर XML फाइल जो है सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सेंड के ऊपर क्लिक करना है। सेंड के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर देखना है अलर्ट मोशन आया है या नहीं। अब देख सकते हो हमारा अलर्ट मोशन जो यहाँ पर आ चुका है। हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जो है यहाँ पर सेंड करने की कोशिश की, लेकिन अलर्ट मोशन जो है नहीं आया हमारा। लेकिन हमने जो दोबारा जो अनइंस्टॉल के जो मैंने आप लोगों को ऐप के बारे में बताया, उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जो यहाँ पर हमारा सेंड के ऊपर जो है हमारा अलर्ट मोशन ऐप जो यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर शो कर रहा है। तो अभी आप लोगों को अलर्ट मोशन के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर लोडिंग लेगा। प्रोजेक्ट में चलाना है, प्रोजेक्ट सेक्शन में आप लोगों को चलाना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो XML फाइल हमने लाइट मोशन में सेंड किया था, वो अभी आप लोगों को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर XML फाइल जो हमारा शो कर रहा है। अभी मैं होम में आके आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो प्रोजेक्ट सेक्शन में हमारा XML फाइल जो आ चुका है। अभी मैं इसको आप लोगों को ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अलाउ के ऊपर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो हमारा XML फाइल जो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अभी आप लोग अभी इसको यूज करना चाहते हो फुल्ली, तो आप लोग यहाँ पर एडिट करके जो है आप लोग इसको यूज कर सकते हो। आप लोग इसको एडिट करना जानते हो तो आप लोग एडिट कर लेना। आप लोग को एडिट करना नहीं आता है XML फाइल जो आप लोग कैसे एडिट करोगे तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना आप लोग जो XML फाइल के एडिट के ऊपर आप लोग वीडियो चाहते हो या नहीं। देखो आप लोगों को XML फाइल यूज करने के लिए आप लोग जो प्ले स्टोर से एलाइट मोशन डाउनलोड करते हो उससे जो नहीं होगा। आप लोगों को जो मैंने ऐप के बारे में बताया वो ठीक एलाइट मोशन का ही है, लेकिन आप लोग को प्ले स्टोर जो है आप लोग को इंस्टॉल नहीं करना है। आप लोग मुझे इंस्टा पेज पे जो है मैसेज करके आप लोग जो है वो एलाइट मोशन ऐप जो है आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इंस्टा पेज पे मुझे मैसेज कर देना एलाइट मोशन करके, मैं आप लोगों को जो फाइल दे दूंगा। और आप लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जो है जरूर ऑल पे सेट कर लेना। और चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।